सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर वेव। व्हाट मीन बाय सेंसिटिवनेस वेव? जब ये वर्ड आता है सेंसिटिवनेस, मतलब आप कम से कम मापते हो, कम से कम मेजरमेंट कितना है। जितना कम से कम माप लेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, सेंसिटिव होगा। ज़्यादा नहीं बोल रहे, कम से कम। अब आपकी वोल्टेज ये मिली में माप रहा है, माइक्रो में माप रहा है, या नैनो में माप रहा है भाई, या उससे ऊपर ऊपर माप रहा है, वो उतना ही क्या बन जाएगा, सेंसिटिव बन जाएगा भाई। समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन ये है, हाउ वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर भाई। पहला पॉइंट अली, पोटेंशियोमीटर क्या लगता है आपको, कैसे करें? पहला पॉइंट भाई, जितने ज़्यादा वायर यूज करोगे उतना ही सेंसिटिव होगा डिवाइस पे। क्यों? उतना ही फॉल होगा पोटेंशियल्स में भी, उतना ही कम करंट यूज किया जाएगा। यस और नो? लिख लीजिए पहला पॉइंट, बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियोमीटर वायर भी, बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर इंक्रीज करके क्या कर सकते हैं आप लोग, सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हो उसकी भी। ठीक है, सिंपल है, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इंक्रीज कर दो, सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। हमारे मोस्टली लैब के अंदर 5 वायर लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ले लिए, और क्या लगा आपको इस डिवाइस में, क्या करना चाहिए अभी? पहले से करंट को कम कर दूँ, ऑब्वियस कम मापेगा भाई। ये सर नो, ये काम किसकी हेल्प से करते हैं हम लोग? रियोस्टेट की हेल्प से करते हैं हम। पहले से ही वोल्टेज के इनिशियल वोल्टेज क्या रखते हैं, कम रख देते हैं उसकी। इनिशियल करंट क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो सेंसिटिविटी और क्या, और ज़्यादा बढ़ जाती है कम लेने की वैल्यू। यस और नो? तो लिख लीजिए सेकंड पॉइंट, बाय डिक्रीजिंग द करंट इन द सर्किट वे। कम करना भाई, जितना कम कर सकते हो कर लोगे। बाय डिक्रीजिंग द करंट इन द सर्किट बाय यूजिंग रियोस्टेट वे। किसकी हेल्प से करते हैं इसका सारा काम? रियोस्टेट की हेल्प से करते हैं। अगर एक दिक्कत है, करंट बढ़ा दिया आप लोगों ने, करंट की वैल्यू इंक्रीज कर दिया, क्योंकि लेंथ बढ़ा रखी आप लोगों ने वायर की, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पक्की बात है भाई। रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट बढ़ा दिया, हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा भाई। हीटिंग होगा तो रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा भाई, तो थोड़ा पड़े, क्योंकि सेंसिटिव है, थोड़ा भी काउंट किया जाएगा। तो क्या कोशिश करें, करंट भी कम रख लेते हैं कि हीटिंग ही ना हो इसमें। सही है, नेक्स्ट भी, नेक्स्ट है, बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट भी, बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज करके भी। ये कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात है, वी बाई एल करना आपको। कैसे घटेगा ये? के का वैल्यू क्या होता है? वी बाई एल कैसे घटेगा बताओ? लेंथ को बढ़ा के बढ़ा दिया, वी को घटा के घटा दिया, आंसर हो गया कंप्लीट भाई। तीनों पॉइंट का एक मिक्स आंसर भाई, एक ही काम करना आपको। क्या करना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट घटाना है इसका। समझ में आया? यूनिट 2C, क्या नाम है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है इसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट नंबर 2C का पहला टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या पूरे यूनिट का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है अभी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट, समझ में आया? अब इसमें जूल्स ने क्या बताया अभी आपको, बताया कि जहाँ से भी करंट पास करेगा वो बॉडी हीट हो जाएगी भी, वो बॉडी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो कितना ही अच्छा क्या हो, कनेक्टर ना क्यों ना हो, पंखे का हाथ लगा के देखना, पंखा गर्म मिलेगा आपको। हर डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस जो काम करता है वो कुछ देर बाद क्या होता है, वो हीट हो जाता है भाई। हाँ, कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं भाई, इतना ही फ़र्क है। तो हीटिंग क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है उसका, और क्या फार्मूला बनेगा हीट निकालने का भी, वो बताएंगे यहाँ पे आपको। तो लिख लीजिए कि जूल्स लॉ क्या बोलता है अभी। लिखो, इट स्टेट दैट व्हेन करंट पास थ्रू
इट स्टेट दैट व्हेन करंट पास थ्रू एनी कंडक्टर, व्हेन करंट पास थ्रू एनी कंडक्टर देन हीट इज प्रोड्यूस। देन हीट इज प्रोड्यूस, जहाँ से भी करंट पास करेगा बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी। उसका फार्मूला है एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी वी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, एच फॉर हीट एनर्जी भी, एच क्या है इसकी हीट एनर्जी। कर लोगे? अभी फार्मूला कैसे बना है कि क्या हुआ इसका प्रूफ करते हैं। अभी देखो क्लास, सीधी सी बात है भाई, कोई भी डिवाइस हीट प्रोड्यूस क्यों करेगा, अभी कनेक्टर हीट प्रोड्यूस क्यों करेगा, सिंपल सा रीज़न है उसका भी, रेजिस्टेंस की वजह से भी। जब पार्टिकल चल रहे होंगे या इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे तो उसकी मोमेंट में जो भी ऑब्जेक्शन आएगा भी, आपने पता होगा कि स्ट्राइकिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्राइक करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है ड्यू टू कोलिजन से। वही कोलिजन किसका रीजन बनेगा, हीट का रीजन बनेगा, क्योंकि एक किसी भी कनेक्टर के पास क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जब वो मूवमेंट करेंगे तो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड भी करेंगे विद इम्प्योरिटीज ऑल्सो, जो कि क्या बने हुए हैं, रेजिस्टेंस बने हुए हैं। कर लोगे? जब वो उससे जब स्ट्राइक करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा वहाँ पे, हीट। तो सीधे सी बात है, एक मेन रीज़न है भैया हीट प्रोड्यूस करने का, रेजिस्टेंस इज द मेन रीज़न ऑफ प्रोड्यूसिंग द हीट। इसमें कुछ और भी चीज़ टर्म दे रखी हैं, करंट भी है टाइम भी है, बताएंगे कैसे आंसर आएंगे इनके भी। तो हमें निकालना है हीट एनर्जी क्लास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट, रीजन क्या है हीट एनर्जी का, मेन रीजन क्या है, रेजिस्टेंस। अभी कर लोगे तो इसको एच को कैसे निकालेंगे, इसमें आई भी है आर भी है टी भी है, जहाँ पे आई होगा वहाँ पे भी तो ज़रूर मिलेगा, अभी पोटेंशियल तो मिलता ही है। किस टॉपिक के अंदर वर्क डन आया था, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ही आया था, याद होता आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या आया था, वर्क आया था, अभी याद है कि नहीं है। वर्क ही क्या होता है, एनर्जी होती है, किस फॉर्म में, हीट फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मान लो, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या लिखोगे, W बाई क्यू, दिस इज द फार्मूला W बाई क्यू। मेरे को वर्क चाहिए अभी, इन टर्म ऑफ एनर्जी कितना आएगा, V Q लिख सकता हूँ, V Q ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी V क्या होता है, आई आर के बराबर होता है, यस आर नो। और करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट I बराबर है Q बाई टी, यस आर नो। सारी टर्म वही यूज कर रहा हूँ जो आपको पता होंगे भी, Q इज इक्वल टू कितना है, आई टी के बराबर होगा, Q इज इक्वल टू आई टी। सारी इक्वेशंस को फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दूँ भी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशंस, यस आर नो। तो मेरा W किसके बराबर हुआ, V इज इक्वल टू क्या है, आई आर, और Q इज इक्वल टू क्या है, आई टी, सही है। तो व्हाट इज द डब्लू, इट इज आई स्क्वेयर आर टी, आई स्क्वेयर आर टी। यही वर्क क्या है, एनर्जी है, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज अ हीट एनर्जी, डब्लू इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, दिस इज द फार्मूला ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मुश्किल है, सिंपल सा टॉपिक है भाई, बिल्कुल कर पाओगे। और टर्म कर सकते हो, चार्ज इंक्लूड कर सकते हो, उसमें चार्ज डाल सकते हो, चार्ज कितना आएगा, आई का वैल्यू क्या होगा, क्यू बाई टी, क्यू स्क्वेयर बाई टी स्क्वेयर हो जाएगा। इस टर्म को इन टर्म ऑफ वी ले सकते हो, आई का वैल्यू क्या होगा, वी बाई आर होगा, तो क्या होगा, वी स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, एक आर से एक आर काट दूँ तो वी स्क्वेयर बाई आर टी हो जाएगा। कुछ भी बना लो फार्मूला आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी, मेन फार्मूला क्या है, आई स्क्वेयर आर टी। इन टर्म ऑफ चार्ज ले लीजिए, इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं तो मेरे को भाई पूछ ले कि इतना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, नंबर पूछ लिया जाए। नंबर के लिए क्यू के लिए क्या वैल्यू होती है, याद है ना, एन ई होता है भाई, लियाओ कहीं से घुमा फिरा के एन ई की वैल्यू को, क्या रखें, एन ई किसको रखें, क्यू को, क्यू कहाँ पे है नहीं, यहाँ पे तो आई है, तो क्या लिखोगे, एन ई बाई टी लिख दूँ, तो क्या होगा, एन स्क्वेयर ई स्क्वेयर बाई टी स्क्वेयर आर टी, या टी से टी काट दें तो एन आ गया वहाँ से मेरा। वो आपका चॉइस है, जो क्वेश्चन में जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कैसे सोल्व करोगे क्वेश्चंस को भी। एनी प्रॉब्लम भाई?
कुछ भी लिया हो, वी लिया हो, आई लिया हो, एन लिया हो, क्यू लिया हो, मर्जी आपकी। मैन फार्मूला क्या है? आई स्क्वायर आर टी। और किसी भी हीटिंग डिवाइस के लिए जिम्मेवार कौन है? यहाँ पे एच की जिम्मेवार कौन है? तीन चीज़ें मिल रही हैं अभी, आई, आर और टी। अब चेक करते हैं कि हीटिंग फैक्ट को ये रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई। अगर मैं करंट की वैल्यू को इंक्रीज करूँ तो पक्की बात है हीट बढ़ेगी भी, सीधी सी बात है। अगर करंट को इंक्रीज करें तो क्या होगी? हीट की वैल्यू को बढ़ेगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? करंट एक लिमिट तक ही डिवाइस में आ सकता है, ज़्यादा करंट यूज़ करोगे और डिवाइस ख़राब हो जाएंगे मेरे, सही है। तो करंट को घरों के अंदर एक लिमिट तक क्या कर सकते हैं हम लोग? इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आई अच्छा फैक्टर नहीं है अभी हीट प्रोड्यूस करने के लिए। बच गया कौन? टाइम। जितना टाइम तक करंट फ्लो कराएंगे उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा, ये पक्की बात है भाई। यस सर। प्रॉब्लम क्या है? मेरे को इलेक्ट्रिक हीटर बनाना है अभी और टाइम बेस्ड है, सुबह 4:21 शाम तक बनती रही, फ़ायदा क्या उसका भाई? टाइम बढ़ाने से हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो टाइम भी अच्छा फैक्टर नहीं है। कि टाइम इंक्रीज करने से क्या बढ़ा रहे हैं हम लोग? हीट बढ़ा रहे हैं। या सर नो। बच गया कौन है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या बढ़ा सकते हैं? हीट बढ़ा सकते हैं। हमें हीट बढ़ानी क्यों है? हम तो कम करो नहीं है। हमारे घरों में दो तरह डिवाइस होते हैं भाई, एक हीटिंग डिवाइस भी होते हैं। हमारे घरों में हीटिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेस है भाई, प्रेस गर्मी नहीं होता, फायदा क्या है प्रेस होने का? इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक गीजर है, टोस्टर है, ये सारे कौन से हैं? हीटिंग डिवाइसेस हैं। पंखा नहीं है? पंखे में क्या चाहिए मेरे को? कम हीट चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए पंखे का? पूरे का कम होना चाहिए। हीटर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए भाई। इसलिए हीटर में कौन सी वायर यूज़ करते हैं? देखा स्प्रिंग जैसी वायर होती हैं, स्प्रिंग जैसी वायर क्यों यूज़ करते हैं हीटर के अंदर? ज़्यादा लेंथ बढ़ जाए उसकी भी, फायदा क्या ज़्यादा उसकी? लेंथ बढ़ जाए, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरी बात, वो एलॉय की बनी होती है, टंगस्टन की एलॉय की, ठीक है। टंगस्टन की और निकोरम की वायर की बनाते हैं उसको, निकोरम भी होता है, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। हम ऐसा एलॉय यूज़ करते हैं जहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो? ज़्यादा हो। बल्ब के फिलामेंट में कौन सा होता है? टंगस्टन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होती है क्लास? रेट ऑफ डूइंग वर्क भाई। अब बोलेंगे देख लीजिए, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क भी, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी? इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू किसके भाई? W बाई टाइम कर दूं, वर्क बाई टाइम। एक तो बन गया फार्मूला ये भाई, वर्क का भी, पावर का, सॉरी पावर क्या होती है? यूनिट ऑफ पावर क्या होती है क्लास? वो याद है यूनिट ऑफ पावर? वाट भी। क्या होती है? वाट। W से लिखते हैं, कैपिटल W से भी हो जाएगा। अगर आपको 1 वाट पावर को डिफाइन करना पड़े भी तो क्या होगा? अगर 1 जूल वर्क करने के लिए एक सेकंड में काम होता है अभी, 1 जूल वर्क 1 सेकंड में किया जा रहा है, तो कितनी पावर यूज़ करें हम लोग? 1 वाट। तो लिखो इसको डिफाइन करते हैं एक बार। लिखो व्हेन 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकंड, When 1 joule work done in 1 second, then we use 1 watt power. हम 1 watt power को use करते हैं। समझ में आया? उसकी कुछ बड़ी यूनिट होती हैं क्लास पावर की भी, kilowatt बोलते हैं, 1 kilowatt। इसको 1 kW बोलते हैं। ये होती है 1000 वाट के बराबर, 1000 वाट। एक होती है हॉर्स पावर भी, HP लिखते हैं, 1 horsepower, इट इज 746 वाट भी, 746 वाट। जो भी हमारे इंजीनियरिंग यूनिट हैं, जो भी मैकेनिकल इंजन मापते हैं, इस पावर से मापते हैं इसको भी, इन टर्म ऑफ हॉर्स पावर भी। क्या भी क्लास? अब इसके कुछ फार्मूले करते हैं अभी।
एक तो बन गया फार्मूला ये वाला डब्ल्यू वाई टी करके। अब और करते हैं वर्क, कैसे ले सकते हैं वर्क को हम लोग, वी टी ले सकता हूँ, वी क्यू, चेक करो इंटरम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क कैसे ले सकते हैं, वी क्यू पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या बनेगा पावर का फार्मूला भी, वी क्यू बाई टी, वी क्यू बाई टी, और क्यू बाई टी क्या होता है, ये करंट होता है, तो वी इंटू आई ले सकता हूँ इसको फार्मूला भी, क्यू बाई टी क्या होता है करंट को बोलते हैं, एक नया फार्मूला, एक नया रिलेशन वी और आई का, हमने पढ़ा वी प्रोपोर्शनल टू आई नॉट मल्टीप्लाई, यस और नो, वी बाई आई बाई मिलता है गुणा में किसके लिए, पावर के लिए, अभी समझ में आया कि नहीं आया, और चेंज करते हैं फार्मूला, सेकेंड फार्मूला बना दिया हम लोगों ने, ओम्स लॉ को फिर यूज़ करता हूँ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अभी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी क्या होता है, अभी आई आर के बराबर होता है, इसमें रख दें सेकेंड के अंदर भी, तो पी इज इक्वल टू क्या आएगा, आई आर इंटू आई वी, तो क्या बना फार्मूला, आई स्क्वेयर आर, एक और फार्मूला पावर का भी, थर्ड फार्मूला, समझ में आया कि नहीं आया, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी, क्या मैं आई को लिख सकता हूँ वी बाई आर करके, यस और नो, फिर इसको रख दो सेकंड इक्वेशन में भाई, पुट इन सेकंड, क्या बनेगा, पी इज इक्वल टू वी, आई की वैल्यू वी बाई आर, क्या बनेगा फार्मूला, वी स्क्वेयर बाई आर वी, फोर्थ फार्मूला, जो भी रिक्वायरमेंट है आपको क्वेश्चंस के हिसाब से, आपको क्या गिवन है, वी है, आई है, चार्ज है, टाइम है, कुछ भी गिवन है भाई, उसके हिसाब से क्या निकाल सकते हो आप लोग, पावर निकाल सकते हो, समझ में आया कि नहीं आया, वे मेन फार्मूला हमारा वी इंटू आई, इससे मोस्ट क्वेश्चन इससे आते हैं, वी इंटू आई से कर पाओगे, इसलिए करवाया है। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, किलो वाट हावर्स भी, क्या बोलते हैं, किलो वाट हावर्स, इसको के डब्ल्यू एच लिखते हैं वे, और एक के डब्ल्यू एच आगे लिखवा दूंगा इसको मैं, को इसी को बोलते हैं वन यूनिट भी, क्या बोलते हैं इसको, एक यूनिट, आप बोलते हैं मीटर में एक यूनिट निकली हमारी, यही है वो एनर्जी निकालनी है अभी, एनर्जी के लिए क्या चाहिए, वर्क चाहिए, और पोटेंशियल्स में या पावर के अंदर वर्क का फार्मूला क्या बनता है, या पोटेंशियल्स में वर्क का फार्मूला क्या बनता है, V इज डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, वी इंटू क्यू, या पावर में कैसे बनता है, W बाई टी, यस और नो, पावर में क्या बनता है, W बाई टी, दोनों में वर्क आ गया, पोटेंशियल में भी आ गया और पावर में भी आ गया, हमें ये यूज़ कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिक पावर होती है P इज इक्वल टू W बाई टी, W निकाल रहे हैं तो पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, कब बोलेंगे किलो वाट हावर्स भी, देखो किलो वन किलो वाट हावर्स एनर्जी होगी कब, जब पावर कितनी होगी, वन किलो वाट होगी, और टाइम कितना होगा, वन हावर्स, अब यहाँ पे जो टाइम लेना आपको वन हावर में लेना है, और पावर लेनी है किलो वाट के अंदर भी, समझ में आया कि नहीं आया, yes. तो क्या बन गया, वन किलो वाट हावर्स, सही है, इसको इन टर्म ऑफ वाट लिखें तो, ऐसा यूनिट में लिखें तो, वन किलो वाट हावर्स इज इक्वल टू, ये क्या होता है, 1000 वाट के बराबर होता है, और घंटे में कितना सेकंड होता है, 60 मिनट होता है, और 60 सेकंड होता है हर मिनट के अंदर भी, सही है, यस और नो, तो कैसे लिखोगे इसको, 1 किलो वाट हावर्स इज इक्वल टू 36 10 की पावर 5 लिख सकता हूँ, सही है, या कई बुक में लिखा होता है इसको 3.6 10 की पावर 6 भी, जूल में आएगा, ऐसा यूनिट में निकाल रहे हम लोग, सही है कि नहीं है, पांच पावर है, अच्छा बना लो 3.6 डाल के भी, गुणा करोगे ना 6 पावर की 3 पॉइंट ये बनेगा 36 गुणा में 5 पावर भी 5 जीरो भी कर लोगे, ये है भैया जूल एनर्जी यूज हो रही है अभी 1 किलो वाट के अंदर भी, और 1 किलो वाट को क्या बोलते हैं हम लोग, एक यूनिट बोलते हैं मीटर में, देखा एक यूनिट निकाल दी मैंने, लिखो 5 इलेक्ट्रिक बल्ब, लिखो क्वेश्चन लिखिएगा 5 इलेक्ट्रिक बल्ब
ईच ऑफ 100 वाट, ईच ऑफ 100 वाट आर यूज 10 आवर पर डे, आर यूज 10 आवर्स पर डे। ओके, इसमें लिखिए कोमा लगा के, ए इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 2000 वाट इज यूज्ड फॉर टू आवर्स। ये एक दिन की बता रहा हूँ सारी मैं। ए इलेक्ट्रिक टोस्टर देखा होगा, इलेक्ट्रिक टोस्टर ऑफ 1000 वाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर्स वे। ए इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 2000 वाट इज यूज्ड 2 आवर पर डे। ओके, समझ में आया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस इन 1 मंथ वे, इन 1 मंथ इफ वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर्स इज 5 रुपीज वे। 1 किलोवाट की कितनी वैल्यू है? 5 रुपये है भी। यही वैल्यू जो बताया मैंने, यही एग्जैक्टली यही वैल्यू होती है। ठीक है, क्या क्या डिवाइस यूज किए हुए हैं? एक तो क्या है, पहला डिवाइस कौन सा यूज किया मैंने? इलेक्ट्रिक बल्ब। कितने हैं? 5। एच ऑफ पावर 100 वाट। कितनी पावर यूज कर रहे हैं? तो पहले हैं टोटल इलेक्ट्रिक बल्ब, टोटल पावर लिख लेते हैं, टोटल पावर ऑफ बल्ब कितनी होगी? 500 वाट भी। ठीक है, क्वेश्चन है हमें वाट में नहीं चाहिए एनर्जी निकालते, किलो वाट में चाहिए अभी। तो कितने किलो वाट हो गए? 0.5 किलो वाट डिवाइड बाई 1000 भाई। यस और नो? फिर क्या है, कितने घंटे यूज हो रहा है ये? ये इसकी पावर, अब इसको P1 ले लूँ। ये कितने टाइम यूज हो रहा है अभी? टाइम कितना है इसका? 10 घंटे। हर घर में बल्ब यूज होते हैं अभी, कर लोगे? दूसरा भाई, पहला डिवाइस हो गया, दूसरा क्या था? हीटर। कितने पावर का है? 2000 वाट का हीटर होता है भाई, एक्चुअल में यही होता है। तो कितने किलो वाट हो गया भाई? 2 किलो वाट। यस और नो? कितने टाइम यूज हो रहा है अभी? टाइम है 2 आवर्स में, हो जाएगा। थर्ड क्या था? टोस्टर की कितनी पावर है? 1000 वाट। तो 1 किलो वाट हो गया। कितने घंटे यूज हो रहा है अभी? 1 आवर। फोर्थ क्वेश्चन भी क्या था? आयरन की स्पेलिंग क्या होगी? आयरन कितनी पावर की यूज कर रहे हैं? 2000 वाट। ये प्रेस की पावर होती है भाई, तो कितने हो गया? 2 किलो वाट। कितने घंटे यूज भी हो रहा है अभी? 2 घंटे। घर में तो और भी बहुत से डिवाइस हैं, टीवी भी है, पंखे भी हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं, कर लोगे? इनका निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी गलती भाई किस क्वेश्चन को करने में क्या होती है, आप क्या करते हो, सारी पावर का जोड़ देते हो, सारी टाइम का जोड़ देते हो। ये गलती सबसे पहले ये गलती करते हैं बच्चे, क्योंकि मेरे को पावर में W निकालने के क्या चाहिए? P into T चाहिए अभी, P into T। आपको लगता है कि पूरा पावर जोड़ दें, पूरा टाइम जोड़ दें, गुणा करने तो है। हर डिवाइस का टाइम अलग है भाई, हर डिवाइस का पावर अलग है। तो क्या हुआ, अब वही हीटर 1 घंटे चल रहा है और वही क्या था ये 1 घंटे चला, फर्क तो है इसमें दोनों में? यस और नो?
तो ऐसा मत करना कि सभी की पावर ऐड करके निकालोगे आंसर्स में। अब क्या करना, हर एक का निकालना है भाई आपको। हर एक डिवाइस एक दिन में चलेगा तो कितना यूनिट निकालेगा भाई, तो इसकी कितनी यूज़ होगा भाई एनर्जी ऑफ फर्स्ट वे, E1 की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या लिखोगे 0.5 × 10, तो 5 किलोवाट आवर्स फर्स्ट डिवाइस की भी कर लोगे। सेकंड की भी 2 × 2 कितना आ गया 4 किलोवाट आवर्स भी। थ्री की 1 × 1 किलोवाट आवर्स। फोर की 2 × 2 4 किलोवाट आवर्स भी। तो एक दिन की कितनी होगी भी टोटल, फॉर वन डे भी टोटल पावर इज, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड भी कितनी होगी, इज इक्वल टू 5 + 4 + 1 + 4 कितना हो गया 14 किलोवाट आवर्स भी। मतलब क्या है, ये डिवाइस चलेंगे इतने टाइम तक तो आपका मीटर एक दिन में कितनी यूनिट निकालेगा, 14 यूनिट निकालेगा। समझ में आया कि नहीं आया अभी, कर लोगे। और फोर मंथ के लिए कितना होगा अभी, तो कितना आया 14 × 30 कर दूँ, 40 ठीक है। महीने में कितने यूनिट निकलेंगे 420, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी, टोटल कॉस्ट कितना अभी, एक यूनिट का वैल्यू कितना है 5 रुपये, कितनी यूनिट हैं 420, कितनी यूनिट होगी, कितने रुपए हो गए, 1 महीने का बिल है ये।